फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिजनेस बाइट्स। आज हम आए हैं एक ऐसी कंपनी के पास जो मशीनरी में डील करते हैं, जिनके पास सीएनसी राउटर मशीन है, मेटल कटिंग मशीन है, चैनल बेंडिंग मशीन है। इनसे पता करेंगे किस तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर आप इससे रिलेटेड बिजनेस पहले से ही कर रहे हैं और अपने बिजनेस को अपडेट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए देर ना करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पता करते हैं किस तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। हेलो सर। हेलो मैम। सर, सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं मुकेश मिश्रा, एम्पायर टेक्नोलॉजी से एज ए सेल्स इंजीनियर। तो सर, आपने जो मशीनरी शोकेस की है उनके मैन्युफैक्चरिंग और वर्किंग के बारे में देख लेते हैं। यस सो मैडम, ये सीएनसी राउटर मशीन है, इसमें 2D और 3D वर्क दोनों तरह से कर सकते हैं। बेसिकली ये साइनेज इंडस्ट्रीज में, इंटीरियर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। इस पर हमने अभी एक रेलिक पे 3D वर्क किया हुआ है मिरर साइड से। अभी जब ये बनेगा तब मैं आपको इसकी फोटो और वीडियो आप ले लीजिए, क्लिक कर देंगे मैडम। तो सर, स्टार्टिंग टू एंड तक प्रोसीजर बताएंगे किस तरीके से होता है। मैडम, ये 4x8, इसकी जो साइज है 4x8 है और जो इसकी मशीन की फुल साइज है 11 फीट x 7.5 फीट है। जो कस्टमर जिस कस्टमर को जोन से साइज रिक्वायरमेंट होगी वो हम बना के दे देते हैं। तो सर, इसको बनाने के लिए कौन से मटेरियल का यूज किया गया है? मैडम, कई टाइप के इम्पोर्टेड, कुछ इसमें ड्राइव मोटर भी इम्पोर्टेड होते हैं जो बाहर से ही आते हैं, और बाकी ये पूरी तरह से पाइपिंग पे ही है। इसकी 4x8 है, जेड जो जेड एक्सिस है 200 mm है, 25 mm की लीनियर गाइड है, NK105G2 कंट्रोलर है, ये स्टेपर मोटर में है मैडम। इसको ऑपरेट करना इजी है? हाँ, इजी टू है मैडम। आप जैसे आप सिस्टम पे आप फाइल बना के पेन ड्राइव के थ्रू हम चला सकते हैं, 2D 3D वर्क जो भी होता है वो हम चला सकते हैं। कोई डिजाइनिंग की बात करें तो डिजाइन कितने टाइम पीरियड में कवर करते हैं? मैडम, ये 3D अप्रॉक्स 2 से 2.5 घंटे में बन के निकल जाता है। कटिंग में जैसे डिजाइन होगी वैसे कटिंग करके, जैसे आधे घंटे की फाइल है, 1 घंटे की फाइल है, 15 मिनट की फाइल है, वो डिपेंड करता है कि हमारी डिजाइनिंग कैसी है। सर, ये तो बात है डिजाइनिंग की, इसमें जो मटेरियल लगाया गया है, रॉ मटेरियल कौन कौन सा यूज हो सकता है? अभी इस पे आप स्टोन और मेटल को छोड़ के सारे मटेरियल यूज करते हैं, जैसे कि एक्रेलिक हो गया, WPC हो गया, MDF हो गया, प्लाईवुड हो गया, हार्ड वुडन हो गया, उस पर आप कटिंग 2D 3D सारे वर्क कर सकते हो, ACP हो गया सब पे। तो उसके लिए डाई भी चेंज करनी होती है? हाँ, ये जो बिट्स आते हैं बहुत कई प्रकार के ऐसे बिट्स भी आते हैं, हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग ये बिट्स चेंज होते रहते हैं, हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होते हैं। और जो इसकी एग्जीबिशन प्राइस रखी है मैम, 3,90,000 रुपये प्लस GST प्लस ट्रांसपोर्ट। एग्जीबिशन प्राइस है? Yes, आफ्टर एग्जीबिशन 4.25 लाख, 4,25,000 प्लस GST प्लस ट्रांसपोर्ट। ये CO2 लेजर मशीन है मैडम, 100 वाट ट्यूब के साथ। इसकी जो बेड साइज है 4x3, 1300x900 mm है। एक्सक्यूज मी सर, इस पर आप एक्रेलिक पे इचिंग कर सकते हैं, ऐसे कटिंग कर सकते हैं, ऐसे सारी चीज की कटिंग कर सकते हैं 20 mm तक एक्रेलिक पे। आप ये देख लीजिए, ये जो वॉल डिकोर होता है, ये वॉल डिकोर पे ऐसे कटिंग कर सकते हैं, आप वॉल पे लगा सकते हैं। देखिए, वॉल डिकोर पे एक्रेलिक है मैडम, ऐसे वॉल डिकोर के लिए ये कटिंग की जाती है, ये सारी चीजें हैं। तो इसमें कौन सा रॉ मटेरियल यूज किया जाता है? इसमें मैडम कुछ ये कास्ट की एक्रेलिक हो गया, पाइन MDF हो गया, जैसे पेपर हो गए कटिंग के लिए, ये सारे यूज किए जाते हैं। हार्ड जैसे इस पे लकड़ी का यूज नहीं होता, लकड़ी बस इचिंग इंग्रेविंग कर सकते हैं, कटिंग नहीं कर सकते। सर, जो डिजाइनिंग होती है उसमें टाइम पीरियड कितना लगता है? मैडम, हर एक डिजाइनिंग की अलग अलग टाइम पीरियड है। देखिए मैडम, यहाँ पे अभी चल रहा है टाइम, ये अप्रॉक्स कम से कम 10 से 15 मिनट का ये डिजाइनिंग है, आराम से हो जाएगा, वो आप टाइम शो कर देता है इसके सिमुलेशन। ऑटोमेटिक मशीन है ये? ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज मशीन है ये। आपने जो पीछे मेंशन किया हुआ है वो भी इसी से बना हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप मैं और भी सर, यहाँ
मशीन लगा देंगे अगर इसके प्राइस की बात करें तो एक्सपो में क्या प्राइस है? एक्सपो में सर ये पूरी तरह से इंपोर्टेड मशीन है मैडम। एक्सपो में इसकी प्राइस है 3,40,000 रुपए प्लस जीएसटी प्लस ट्रांसपोर्ट। जीएसटी और ट्रांसपोर्ट हमेशा एक्स्ट्रा ही रहेगा। तो सर इसमें डिजाइनिंग की बात करें तो डिजाइन होने के बाद अपने आप ऑफ हो जाती है? हाँ, अपने आप रुक जाएगी मशीन, जहाँ से हमने स्टार्ट की रहती है वहीं पर आके रुक जाती है। और बाय चांस कुछ अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो कोई इंडिकेशन भी होता है? हाँ, बाय चांस कभी जैसे आप सीट नहीं हिलना चाहिए इसमें, जैसे अगर बीच में मशीन रुकती है कोई प्रॉब्लम आती है मशीनरी में, वहीं से स्टार्ट होगा। तो सायरन ही बोलता है फिर ये कुछ? नहीं नहीं, सायरन नहीं बोलता है, वहीं से स्टार्ट होगा, वहीं पे रुक जाएगी, एरर शो कर देगा, फिर से वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं मशीन को ऑफ कर दिया। यहाँ पे अगर यहीं से चलाना रोक देंगे कोई होगा, फिर से यहाँ पे प्ले कर देंगे। सर इसमें जैसे सिंगल हेड चल रहा है? हाँ, ये सिंगल हेड है। हाँ जी, सिंगल। तो कितने हेड की होती है जैसे? मैडम इसमें दो हेड भी आते हैं। ओके। तीन हेड भी आते हैं, चार हेड भी आते हैं। जिसको प्रोडक्शन का काम करना हो दो हेड का काम ले लेता है, क्योंकि एक ही फाइल दो बार चलती है। और सिंगल हेड की बात करें तो प्राइस क्या हुआ? सिंगल हेड का प्राइस है मैडम, मैं वही बोला 3,40,000। डबल हेड का प्राइस है 4,50,000 प्लस जीएसटी प्लस ट्रांसपोर्ट। डिपेंड करता है किस तरीके से जितना चाहिए वो। हाँ, जैसे प्रोडक्शन का काम करना है तो जैसे प्राइस इंक्रीज होते जाते हैं। सर इसमें बेडिंग में जो है इसमें भी वेरिएशन आती है? नहीं, इसमें हाँ, जैसे ये 4x3 फीट की है, 2x3 फीट की भी आती है, 4x4 फीट की भी आती है। वाली कौन सी है? स्ट्रिप वाली है, हनीकॉम भी आती है? मैडम हम स्ट्रिप हनीकॉम नहीं, हम इसमें डेंस बेड देते हैं। डेंस बेड में आपको हनीकॉम बेड की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो दोनों का काम करता है, स्ट्रिप का भी काम करता है, हनीकॉम बेड का भी काम करता है। हनीकॉम बेड का भी गैपिंग इतना ही होता है जितना डेंस बेड का होता है। तो डिफरेंस क्या होता है दोनों? मैडम जैसे दो बेड हो जाते हैं, जैसे आपको पेपर ऊपर कट करने हो तो आपको या इस पे भी कर सकते हो, हनीकॉम बेड पे भी कर सकते हो, उसमें कोई डिफरेंट ज्यादा मार्जिन नहीं होता है। तो कटिंग होने के बाद जो वेस्टेज होता है वेस्टेज होते हैं, एक तो नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, और जो स्मोक होते हैं और पीछे के रास्ते जो हम एग्जॉस्ट लगाते हैं निकल जाता है बाहर। तो कूलिंग के लिए फैन भी होते हैं इसमें? हाँ, कूलिंग के लिए ऑलरेडी इनबिल्ट फैन दिए गए हैं, हर एक पैनल के अंदर फैन दिए गए हैं। ये मैडम चैनल रेटर बेंडिंग है मैडम, इसमें 130 mm तक आप चैनल को बेंड कर सकते हैं। जैसे आप इस टाइप के चैनल आते हैं एल्यूमिनियम के फॉयल जैसे, आप जैसे ABCD लेटर जो भी देखते रहते हैं इंटीरियर साइनेज में, जो भी आप देखते हैं एसी से मशीन से बेंड होता है। इसमें दो टाइप के बेंड हो जाते हैं, जैसे एक कॉलर वाले भी बेंड हो जाते हैं, दो मटेरियल आते हैं, और एक विदाउट कॉलर वाले बेंड हो जाते हैं एल्युमिनियम के। तो सर जैसे बेंडिंग उसमें एक्रेलिक यूज किया जाता है कौन सा? हाँ, एक्रेलिक। देखिए मैडम ये बेंडिंग वाली है पोजीशन। Okay. और जो ये फ्रंट है ये एक्रेलिक का है, और एक जो बैक साइड है एल्युमिनियम की फॉइल है, इससे क्या होता है मजबूती ज्यादा आ जाती है, स्ट्रॉन्गनेस ज्यादा होता है। तो सर इसके बाद जो लिक्विड फिल किया जाता है वो भी आपके इन हाउस होता है? हाँ, इन हाउस होता है, लिक्विड अंदर से पेस्ट कर दिया जाता है कि कोई लाइट जो आप अंदर से लगा रहे हो वो बाहर ना रिफ्लेक्ट करे, इसलिए अंदर ये लिक्विड लगा के बंद कर दिया जाता है प्रॉपर। तो आप दिखा सकते हैं कि बेंडिंग का किस तरीके से प्रोसीजर क्या चलता है? या इसका रोल दिखाइए, रोल से कैसे प्रोसीजर चलता है? मैडम जैसे मैं रोल यहाँ पे लगा देता हूँ, जैसे जिस भी शेप का रोल होगा, ये रोल यहाँ लगा हुआ है, ये रोल लगा, जिस शेप का रोल होगा इससे अप एंड डाउन इससे कर सकते हैं। ओके। जैसे भी साइज बढ़ेगा उसके बाद इसको लगा देते हैं ऐसे। अब ये कोई भी एक सेलेक्ट करके यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से अभी स्टार्ट हो गया मैडम, आएगा वहाँ से? हाँ आएगा यहाँ से। तो कितना टाइम पीरियड लगता है इसको करने में? मैडम 10 से 15 सेकंड में हो जाएगा। अच्छा, ये आने लगा, अपने आप बैंड करें। जो जॉइंट्स होते हैं वो मार्किंग कर देते हैं? हाँ, मार्किंग करके यहाँ पे बैंड हो जाएगा, अभी यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको ऐसे ये तोड़ देते हैं। अब आपको इसको बैंड करना होगा,
ऐसे अभी बैंड हो जाएगा, इसको चिपकाना पड़ता है, बॉन्ड से चिपकाना पड़ता है, ऐसे यू आ जाएगा। इसको भी ज्वाइंट करने के लिए मशीनरी आती है? नहीं नहीं, ज्वाइंट करने के लिए हाथ से ही ज्वाइंट किया जाता है, बॉन्ड से चिपकाया जाता है। तो ऐसे आ जाएगा मैडम, ऐसे जब हाथ से चिपकाते हैं तो ऐसे पूरा पूरी शेप आएगा। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो क्या प्राइस है इसकी? मैडम एग्जीबिशन प्राइस है 4,25,000 रुपये। और आफ्टर एग्जीबिशन? आफ्टर एग्जीबिशन जो भी बढ़ने होंगे 5-10,000 का वही फर्क होता है, ज्यादा नहीं। अगर जो इंटरेस्टेड होगा तो आपसे बात करेगा? आपसे बात, मेरे से बात करेगा, या कंपनी के साइट पे जाके या मेरी विजिटिंग कार्ड पे नंबर रहेगा, अभी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखिए इनका विजिटिंग कार्ड है, अगर आप इनसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो कनेक्ट हो सकते हैं।